आज का हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इज इंडिया एंग्री ऑन श्रीलंका, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से इंडिया के जो कंसर्न है वो हर्ट हुए। तो देखा जाए, कुछ दिनों पहले न्यू दिल्ली ने श्रीलंका को एक प्रोटेस्ट जताया था जब श्रीलंका ने चाइना के एक स्पाई शिप को अलाउ कर दिया था कि वो क्या कर सकता है, श्रीलंका का एक पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, वहां पर डॉक कर सकता है। बट इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट जताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये इंडिया की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ये जो शिप था चाइना का, ये क्या कर सकता था, ये स्पेस ट्रैकिंग कर सकता था, इवन ये रिसर्च ट्रैकिंग भी कर सकता था। तो इंडिया के लिए सिक्योरिटी पर्पस के साथ से काफी ये इंपॉर्टेंट था कि इसको वहां पर डॉक ना करने दे। तो इंडिया ने उस पर प्रोटेस्ट करा। तो श्रीलंका ने क्या करा, ये कुछ दिनों पहले का न्यूज आर्टिकल है, श्रीलंका आस्क चाइना टू डिफर मिलिट्री शिप विजिट आफ्टर इंडिया प्रोटेस्ट। तो वैसे जो ये डॉक करने वाला था चाइना का, ये 11 अगस्त से 17 अगस्त तक डॉक करने वाला था श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे। ये हम्बनटोटा पोर्ट चाइना की एक कंपनी को लीज पे दे रहा है 99 इयर्स के लिए श्रीलंका ने, क्योंकि ये चाइना की उस कंपनी के लोन से ही बना था ये पोर्ट। श्रीलंका असमर्थ रहा उसको रिपेमेंट करने में चाइना को, तो इस वजह से चाइना की उस कंपनी को 99 इयर्स के लिए लीज में मिल गया ये वाला पोर्ट। अब देखा जाए, कुछ नेविगेशन करने थे, कुछ ट्रैकिंग्स करनी थी पैसिफिक ओशन में चाइना को, इस वजह से वो परमिशन चाह रहा था कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे उस शिप को एंट्री मिल जाए। बट इंडिया ने इस पे काफी ज्यादा विरोध जताया, इस वजह से श्रीलंका ने उसको पोस्टपोन करवा दिया। बट अब श्रीलंका ने क्या करा है, उसको वापस परमिट कर दिया है। तो अब 16 अगस्त से 22 अगस्त तक ये वहां पर क्या करेगा, ट्रैकिंग करेगा श्रीलंका के पोर्ट पे। सो इंडिया के यही कंसर्न्स है, सबसे बड़ा कंसर्न माना जाता है सिक्योरिटी कंसर्न्स, बिकॉज वहां से जब श्रीलंका के पोर्ट से जब चाइना ट्रैकिंग करेगा सैटेलाइट के थ्रू ट्रैकिंग करेगा, तो वहां पर जो इंडिया के ये जो एरियाज है यहाँ पर, वो इजीली यहाँ पर ट्रैकिंग कर सकता है कहाँ पर कौन से बेसिस है, जिस वजह से इंडिया को काफी ज्यादा सिक्योरिटी लॉसेस हो सकते हैं। इस वजह से इंडिया ने ये प्रोटेस्ट करा। देखिए, फिर अभी श्रीलंका ने क्या करा, एक यू टर्न लिया। श्रीलंका ने इंडिया के साथ विश्वासघात करते हुए श्रीलंका परमिट्स चाइनीज शिप टू डॉक आफ्टर पोस्टपोनमेंट, मींस जो डिप्लोमेटिक जो बातचीत है वो चाइना और श्रीलंका में चल रही थी, जब इंडिया के प्रोटेस्ट के बाद चाइना ने शिप के डॉक में डिले करवा दिया था। पर जो डिप्लोमेटिक जो बात है वो चल रही थी, फॉरेन हाई मीटिंग्स भी हो रही थी श्रीलंका और चाइना के बीच में। तो एट द एंड श्रीलंका ने क्या करा, चाइना के इस स्पाई शिप को परमिट कर दिया कि आप अब डॉक कर सकते हैं। तो देखा जाए, श्रीलंका ने इस पे स्टेटमेंट भी दिया है कि श्रीलंका की हमेशा से फ्रेंडली एक पॉलिसी रही है कि हम हमेशा हमारी हर फ्रेंडली कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस निभाएंगे, उनकी सिक्योरिटी और हमारी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे कोई फ्रेंडली कंट्री को नुकसान पहुंचे। अगर बात करें इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लमेटिक बात अगर करें, इंडिया से भी एक स्टेटमेंट आया जिन्होंने कहा है कि हम पूरी प्रोसेस पे नजर रखे हुए हैं कि कैसे ये शिप यहाँ पर आ रहा है, कैसे ये ट्रैकिंग करेगा, तो हम इस पे अच्छे से नजर बनाए हुए। अगर एक और बारे में बात करें तो 1987 में ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत आप एक दूसरे के नेवल बेसिस को, जो भी मिलिट्री बेसिस होते हैं, वो एक दूसरे के सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। मींस ऐसे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कि दूसरी कंट्री को नुकसान पहुंचे। बट श्रीलंका ने यहाँ पर भी इंडिया के साथ विश्वासघात करा। ये है हम्बनटोटा पोर्ट, यहाँ पर इस एरिया में सदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो देखिए, करंट सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन ये है कि श्रीलंका के पोर्ट पे चाइना का जो शिप है वो जस्ट अभी एक दो दिन में डॉक करने वाला है, 16 अगस्त को श्रीलंका में पहुंच जाएगा। बात अगर करें 2014 में भी एक बार इंडिया के कंसर्न्स के बावजूद श्रीलंका ने चाइना के एक न्यूक्लियर शिप को परमिट कर दिया था कि वो कोलंबो पोर्ट पे वहां पर डॉक कर सकता है। तो इंडिया ने काफी ज्यादा उसके साथ कंसर्न्स रेस करे थे, बट श्रीलंका ने सारी उन चीजों को इग्नोर कर दिया था। तो इस तहत अब इंडिया को देखना है कि जो श्रीलंका का प्रेजेंट में इतना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, क्या इंडिया को श्रीलंका की इतनी मदद करनी चाहिए, इंडिया कितना ज्यादा उनको फ्यूल प्रोवाइड करवा रहा है, कितना ज्यादा उसको फूड प्रोवाइड करवा रहा है। लगभग 4 बिलियन US डॉलर्स का इंडिया अभी तक श्रीलंका की हेल्प कर चुका है। तो क्या इंडिया को जरूरी है कि वो श्रीलंका की ऐसी हेल्प करे, अगर श्रीलंका इंडिया के कंसर्न्स, इंडिया की इंपॉर्टेंटली सिक्योरिटी कंसर्न्स को डिसरिगार्ड कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या इंडिया को उसकी हेल्प करनी चाहिए, आप इसको जरूर बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।